क्या आप भी कतर की सैमसंग CNT कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कतर की सैमसंग CNT कंपनी के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कतर की सैमसंग CNT कंपनी के बारे में। दोस्तों अक्सर होता है क्या, किसी कंपनी की वैकेंसी आती है और हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कंपनी कैसी होगी, कंपनी में टाइम पर सैलरी मिलता है या नहीं मिलता, कंपनी में ओवर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, कंपनी में खाना कैसा मिलता है, कंपनी में रूम कैसा मिलता है, कंपनी में काम कैसा रहता है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हैं आज के स्टूडियो में। मैं आपको बताऊंगा कतर की सैमसंग CNT कंपनी कैसी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ कतर की सैमसंग CNT कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो रोज देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ कतर की सैमसंग CNT कंपनी के बारे में। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं कतर की सैमसंग CNT कंपनी के बारे में। कतर की सैमसंग CNT कंपनी 1938 में बनी थी, यानी सैमसंग CNT कंपनी की स्थापना 1938 में हुई थी। और दोस्तों सैमसंग CNT कंपनी का हेड ऑफिस साउथ कोरिया में है और ये एक कोरियन कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दोस्तों सैमसंग CNT कंपनी का लगभग 50 देशों में काम चलता है। इनका दुबई में काम चलता है, सऊदी में काम चलता है, बहरीन में काम चलता है, कतर में काम चलता है और भी बहुत सारी कंट्री में इनका काम चलता है। इनका काम लगभग 50 देशों में चलता है। और दोस्तों कतर की सैमसंग CNT कंपनी में लगभग 8 से 10 हज़ार आदमी काम करते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दोस्तों कतर की सैमसंग CNT कंपनी पाइपलाइन का काम करती है, ऑयल एंड गैस प्लांट का काम करती है, शिप मेंटेनेंस का काम करती है और सोलर प्लांट का काम करती है। और दोस्तों कतर की सैमसंग CNT कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है, जैसे मेसन है, स्टील फिक्सर है, कारपेंटर है, सेटरिंग कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, इनकी 8 घंटे की सैलरी लगती है 1100 से लेकर 1400 रियाल तक और लेबर की सैलरी लगती है 1000 रियाल। और दोस्तों कतर की सैमसंग CNT कंपनी में आपको 2-3 घंटे कंपलसरी ओवर टाइम मिल जाता है और आपको जुम्मा भी मिल जाता है, यानी आपके महीने भर की सैलरी, लेबर की सैलरी 1400-1500 रियाल तक आ जाती है और ट्रेड वालों की सैलरी, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, मेसन है, प्लम्बर, इनकी सैलरी 1700-1800 रियाल तक आ जाती है। और दोस्तों कतर की सैमसंग CNT कंपनी में आपको खाना कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहता है। और दोस्तों कतर की सैमसंग CNT कंपनी में आपको मेडिकल इंश्योरेंस, रहने के लिए रूम, साइड पर आने जाने के लिए बस कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहता है। और दोस्तों कतर की सैमसंग CNT कंपनी में आपको कंपनी लॉन्ड्री की सुविधा देती है, यानी आपको कपड़े धो कर देती है। और दोस्तों कतर की सैमसंग CNT कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल बाद में आपको 2-3 महीने की छुट्टी मिल जाती है, साथ में आपको आने जाने का टिकट मिलता है, साथ में आपको 2 महीने का लिव इन सैलरी मिलता है। और दोस्तों कतर की सैमसंग CNT कंपनी में आपको कभी इमरजेंसी काम होता है तो आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपको टिकट अपना लेना पड़ता है। और दोस्तों इस टाइम इंडिया में कतर की सैमसंग CNT कंपनी की वैकेंसी आई हुई है, लेबर और मेसन की वैकेंसी आई हुई है। जो भी भाई इसमें जाना चाहता है कमेंट करें ताकि आपको इन्फॉर्म कर देंगे कौन से ऑफिस में वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों आप कतर की किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हो, आप वीज़ा के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप ऑफर लेटर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको कतर की सैमसंग CNT कंपनी के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।